अपना चमन कि आप आ गए हैं तो शायद आप ही शमा को कुछ समझा सके। बहुत कोशिश की लेकिन हद दर्जे की जिद्दी है, कुछ सुनती ही नहीं वो। अगर आप हमारी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको भी बाकी स्टाफ की तरह सही वक्त पर ऑफिस आना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप हमारी कंपनी छोड़कर जा सकते हैं। अम्मी जान की ये बेटी है ना, अब अम्मी जान के करीब किसी भी गम को आने नहीं दूंगी। फरमान अली, तुम दौलत के ताज महल पे बैठे हो और मुझे वो ताज महल जीतना है जिसके लिए मुझे अपने गर्दन की लचक बनाए रखने का फन कायम रखना होगा। उस पर सितम ये है कि उसने मुझे एक वारिस तक नहीं दिया, वारिस भी नहीं दिया उसने मुझे वंश बढ़ाने के लिए। फरहान ये बेटा होना चाहिए, बेटा बेटियों से वंश नहीं चलता है, नहीं चलता है। तुम भी तो एक बेटी के बाप हो फरमान मियां, मैं भी एक बेटी का बाप, हम दोनों एक ही कश्ती का सवार है। फर्क इतना है कि मैं आज तड़प रहा हूं, तुम कल तड़पोगे। क्या हुआ, बुरा मान गए क्या? अरे मैंने तो यूं ही कहा था। अच्छा मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था यार। तुम समझ, मैं फिर आऊंगा। अपना ध्यान रखना, हाँ प्लीज टेक केयर ऑफ। लेकिन ऐसी बेटी का क्या फायदा जो आपका वंश न चला सके। बेटी तो दूसरे के घर की अमानत होती है, शादी होगी चली जाएगी। वंश बढ़ाने के लिए फरहान में बेटा होना चाहिए, बेटा बेटियों से वंश नहीं चलता है। तुम भी तो एक बेटी के बाप हो फरहान मियां, मैं भी एक बेटी का बाप, हम दोनों एक ही कश्ती का सवार है। फर्क इतना है कि मैं आज तड़प रहा हूं, तुम कल तड़पोगे, मैं आज तड़प रहा हूं, तुम कल तड़पोगे। कहा जा रहा है, ये लो मुंह खोलो और खाओ। रियली बहुत बिजी हो। अरे बाबा मैंने आग दिखलाने के लिए नहीं, खाने के लिए कहा है। प्लीज समीर, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं खाना। आई एम सॉरी डियर, अगर तुम नहीं खाना चाहती तो फेंक देता हूँ। बट व्हाई? क्योंकि तुम नहीं खाना चाहती ना, तुम्हारा मूड अच्छा है तो फेंक देता हूँ। समीर प्लीज नाराज मत हो, चुपचाप खाओ। तुम्हारे साथ मैं कभी चुपचाप बैठ सकता हूँ? मुझे पता है तुम मेरे साथ क्या किसी के साथ भी सीरियस नहीं रह सकते। करेक्ट है, क्योंकि सीरियस होना किसी मसले का नहीं। आई नो वेरी वेल डियर कि मैं मानता हूँ नरगिस तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, और वो दो दिन से कॉलेज भी नहीं आई, पर आ जाएगी यार, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है। समीर एग्जाम सर पर है, इस वक्त उसका कॉलेज आना कितना जरूरी है तुम जानते हो। हाँ जानता हूँ, लेकिन लेकिन क्या समीर, मैं जानती हूँ उसके साथ जो हादसा हुआ है उससे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, और वो ही क्या समीर, उसकी जगह अगर मैं भी होती तो डिस्टर्ब हो जाती। लेकिन
समीर, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और इस वक्त उसे संभालना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमेशा आगे रहने वाली नरगिस सबसे पीछे रह जाएगी। तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, तुम हमेशा उससे पीछे रहती हो, इस बार तुम आगे और वो पीछे। शट अप समीर, खुद को बेस्ट फ्रेंड कहते हो और इस तरह की बातें करते हो, व्हाट अ शेम समीर। रियली शर्म की बात तो है, अगर तुम मेरे सिवा किसी और को चाहो तो ये मैं पसंद नहीं कर सकता। आई डोंट लाइक दिस, यू अंडरस्टैंड हियर। समीर क्या हो गया है तुम्हें, नरगिस तुम्हारी भी तो दोस्त है ना। हाँ मैं मानता हूँ नरगिस मेरी भी फ्रेंड है, लेकिन जब तुम मेरे सिवा किसी और के बारे में सोचती हो रियली जेलसी होती है काजल, यू ब्लीव मी। जितना तुम नरगिस को चाहती हो अगर उसका 50% अगर तुम मुझे चाहो तो मैं अपनी लाइफ का दी एंड यही खत्म कर सकता हूँ। राइट, यही होता है सच्चा दोस्त, जो अपने दोस्त के दर्द को महसूस करे। मैं तो नरगिस के दर्द को महसूस करती हूँ, लेकिन समीर तुम मेरे दर्द को महसूस नहीं करते। ऐसी बात है, तो चलो उठो अभी चलते हैं नरगिस के घर। नहीं समीर, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा, वो लड़की है, पता नहीं उसके पेरेंट्स क्या समझे, और वैसे भी वो लोग बहुत टेंशन में, मैं ही अकेली जाकर आऊंगी। क्या हम जान सकते हैं कि ये जहन्नुम से भी बदतर सजा आप हमें क्यों दे रही? क्योंकि हमें इस घर का चिराग चाहिए। ये शमा की खुशी है बेटा, और ये मत भूलो कि शमा की खुशी में ही इस घर को खुशियां नसीब हुई हैं। जानी हमें भाई की चाहत है। काजल तू कैसी हो? तुम ठीक हो? कॉलेज से सीधी चली आई? जी हाँ, मुझे जैसे ही पता चला कि मेरे दोस्त के दिमाग का स्क्रू थोड़ा लूज हो गया, उसे टाइट करने चली आई। मैं जानती हूँ, मैं कॉलेज नहीं आई उसकी शिकायत करना चाहती हूँ ना। शिकायत नहीं, तुम्हें वॉर्न करने आई कि अगर तुम कल से कॉलेज नहीं आई तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। नहीं काजल, ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो मैं बिल्कुल तन्हा हो जाऊंगी। तुम नहीं जानती कि नो नेवर, मुझे तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं सुननी। प्रॉब्लम क्या है ये मैं जानती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम के डर से कोई जीना तो नहीं छोड़ देता, खाना पीना कॉलेज आना जाना तो नहीं छोड़ देता। देखो नरगिस, एग्जाम सर पर है और तुम हमेशा कॉलेज में टॉप करती आई हो, कल तो प्रोफेसर मिसेस खन्ना भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, बहुत वरिड हो रही थी वो तुम्हें लेकर। काजल तुमने मिसेस खन्ना को कुछ बताया तो नहीं ना? नरगिस
मैं इतनी मैड नहीं हूँ कि लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम को सबके बीच डिस्कशन का सब्जेक्ट बना दूँ। खैर अब इस टॉपिक को छोड़ो, सीधे सीधे मुद्दे की बात पे आओ। तुम्हें पढ़ना है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दो बस। पढ़ना तो है काजल, लेकिन मैं क्या करूं? रह रहकर वही मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता है। अम्मी का दर्द, अब्बू की बेबसी, चाहकर भी मैं अपने जहन पर काबू नहीं कर सकती। नरगिस, तो फिर क्या सोचा है? बस अम्मी जान को उनकी खुशियां मिल जाए तो शायद जहन पर पड़ा हुआ बोझ हल्का हो जाए। यानी दिमागी परेशानियों से छुटकारा पाए बगैर तुम कॉलेज नहीं आओगे? शायद। फिर तुम एग्जाम की तैयारियां कैसे करोगे? कुछ बता नहीं सकती। क्यों नहीं बता सकती? तुम मेरी बुक से अपने बाकी का पोर्शन कंप्लीट कर लेना। आई एम फूल। क्यों? ये जानते समझते देखते हुए कि तू दिमागी परेशानियों में उलझी हुई है, मैं तुझे पोर्शन कंप्लीट करने के लिए कह रही हूँ। तू क्या खाक लिखेगी? ला, तेरी बुक्स मुझे दे दे, मैं तेरा पोर्शन कंप्लीट कर देती हूँ। थैंक्स। चल मैं तुझे बुक देती हूँ। आज आने में देर क्यों होगी? भाई वो नया म्यूजिक रिलीज पर है, बस उसी सिलसिले में थोड़ा वक्त लग गया। अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम सलाम बेटा। लेकिन आप मुझे पहले ये बात बताइए, हमारे घर में इतने नौकर चाकर हैं, उन सबके रहते हुए ये काम आप क्यों कर रही हैं? अब्बू जान, आप ये बात मुझे पहली बार तो नहीं कह रहे हैं, पहले भी कई दफा कह चुके हैं और मेरा जवाब भी सुन चुके हैं कि ऑफिस से आने के बाद पहली कॉफी और पानी का ग्लास अपनों के हाथों से मिलने का सुकून कुछ और ही होता है और उससे कारोबार की सारी थकान यूं मिट जाती है। पर ये तो हुई रोज की बात है। अबू जान आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे आज ऑफिस से फोन क्यों नहीं किया? I'm sorry बेटा, दरअसल मैं मीटिंग में इतना ज्यादा मसरूफ हो गया था कि चाहते हुए भी आपको फोन नहीं कर सका। और अरे हाँ, याद आया, आपकी वो फ्रेंड है काजल, आज उसके फादर हमारे ऑफिस में आए थे। आदित्य अंकल? क्यों, उन्हें भी कोई म्यूजिक एल्बम बनवानी है? अरे नहीं नहीं बेटा, दरअसल वो हमारे कॉलेज के जमाने के अच्छे दोस्तों में से हैं। अब काजल से हमारा जिक्र सुना होगा तो पुरानी यादें ताजा हो गई। वो बेचारे तो हमारे पास अपना दर्द दिल सुनाने आए थे। अब्बू जान आप उन्हें बेचारा कह रहे हैं? भाई जिस तरह से उन्होंने हमें बताया उसे देखते हुए तो वो बेचारे ही हुए। क्या बताया उन्होंने आपको? बेटा शायद वो काजल की माँ से बेहद दुखी है, बता रहे थे कि एक बॉस की तरह पेश आती है उनके साथ। काफी मेहनत करके उन्होंने एक छोटी सी कंपनी एस्टैब्लिश की थी लेकिन आज घर बैठे हैं। अपनी छोटी से छोटी जरूरत के लिए भी पैसों के लिए उन्हें अपनी बीवी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अबू जान क्या आप जानते हैं उनका एक महीने का खर्चा कितना है? भाई ये तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। कम अज कम 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए महीने का खर्च? शराब और कई गलत आदतें हैं उनमें दौलत लुटाने की। रंजना आंटी एक लौती बेटी थी अपने वालिदिन की और उनके वालिद ने अपना सारा कारोबार रंजना आंटी के नाम पे कर दिया था। तो क्या रंजना इंडस्ट्रीज काजल के नाना की थी? जी अम्मी, आंटी शादी से पहले ही बिजनेस संभाला करती थी लेकिन शादी के बाद वो चाहती थी कि अंकल बिजनेस संभाले, उन्हें एमडी बनाया जाए और उन्हें एमडी बनाया भी गया। लेकिन एमडी बनते ही अंकल ने वो रंग दिखाया कि पूछे ही मत। अम्मी जान अगर सही लफ्जों में बयान करूँ ना तो खुदगर्जी का सबूत दे दिया उन्होंने। नरगिस बड़ों के लिए ऐसा नहीं कहते बेटा। मैं जानती हूँ अम्मी, लेकिन जो सच्चाई है उसे बयान करने में मैं लिहाज क्यों करूँ? आदित्य अंकल रंजना आंटी की कमियां बताकर इनकी हमदर्दी बटोर कर ले गए। मैं जानती हूँ वो कैसे इंसान है, एक अच्छाई को छोड़कर दुनिया भर के सारे ऐप भरे हुए उनमें। बेचारी आंटी
घुट घुट कर जीते हैं उनके साथ। अबूजान प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उनको अपने ऑफिस में आने की परमिशन ना दी जाए। अगर बात ही ऐसा है तो हम उन्हें अपने ऑफिस नहीं आने देंगे। खुश जी, शमा हम जरा फ्रेश होकर आते। सुनिए, हमने अलीगढ़ जाने की टिकट्स बुक करा ली है, आपकी इजाजत है ना? जैसी आपकी मर्जी। आपका दिल क्या कहता है अमीना बाबा? मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप एक बेटी की मां होती तो क्या दिल को चाक कर देने वाला ये रिश्ता मंजूर कर लेती? महफूज भाई, दुनिया जहां की नजर में शमा मेरी बहू है, ये सच है। लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि उसने अपनी मोहब्बत और सलाहियतों से मेरे दिल पर अपनी हुकूमत जमा ली है। मुझे इस बात का एहसास है कि उसका आज का ये फैसला उसके आने वाली कल की जिंदगी का रुख बदल सकता है। पर आप उसके इस गलत फैसले में शरीक हैं? महफूज भाई, आप इसे मेरी बेबसी समझ लीजिए या मजबूरी। जिस तरह आप उसके इस फैसले से परेशान हैं, मेरा दिल भी जार जार रोता है। लेकिन क्या करें, दिल की जुबान नहीं होती और शमा दिल की परेशानी देखना नहीं चाहती। उसकी आंखों से बहते दर्द के सैलाब में हमारी जुबान का ताला बन गया और उसने इसे हमारी रजा मान लिया। अमीना आपा, कोई तो ऐसा होगा जो उसे समझा सके, जो उसे रोक सके, जो उसे बता सके कि खता लम्हों से होती है लेकिन सजा सदियों को भुगतनी पड़ती है। नहीं नाना जान, अम्मी जान का फैसला ना ही तो लम्हों की खता है और ना ही सदियों को उनकी सजा भुगतनी पड़ेगी। रहा सवाल आपका, मैं आपकी परेशानी का सबब समझ सकती हूँ। नाना जान, दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी का बुरा नहीं चाह सकता। तो तुम मानती हो कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है? नहीं नाना जान, ये मेरा नजरिया नहीं है। मैंने तो सिर्फ वालदेन का नजरिया बताया है। लेकिन बेटे, तुम्हारा नजरिया क्या है? नाना जान, मेरे और आपके नजरिए में बहुत फर्क है। आप हालात और रिश्तों को जिस नजर से देखते हैं वो नजर एक दायरे में कैद है, जबकि हमारा और अम्मी जान का रिश्तों को देखने का और उनको परखने का पैमाना कुछ और है। हमारा पैमाना कुछ और है? हाँ नाना जान, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप हमारी अम्मी जान के हक में उनके मकसद की कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ करें। हो गया सईद फरमान इलाही, बहुत हो गया। थप्पड़ का जख्म अभी तक मेरे सीने में बेवस था।
ऊपर से आज तूने सारे स्टाफ के सामने जिल्लत का नश्तर चिबो दिया। एक एक जख्म का हिसाब लूंगा, एक एक जख्म का। कुदरत की बनाई जिस जमीन पर चलकर तू आज जिस दौलत पे इतरा रहा है, वो बहुत जल्द एक दिन मेरी मुट्ठी में होगी। फिर मैं तुम्हें जमीन पर कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये मेरी कसम है, लियाकत अंसारी की कसम। कसम खाने से पहले आदिल की एक बात सुन लीजिए। कौन सी बात? यही कि सैयद फरमान इलाही सिर्फ आपके बॉस ही नहीं, मेरे होने वाले ससुर भी हैं। और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे ससुर और उनके खानदान के लिए कोई भी परेशानियां खड़ी करे। खामोश नालायक! मेरा बेटा होकर मुझे जलील करने वालों की हिमायत कर रहा है? अभी तो सिर्फ आगाह कर रहा हूँ, कहीं गलती से भी कोई गलती मत कर बैठिएगा, नहीं तो आपको मुझसे सामना करना पड़ेगा। तू उस आदमी के लिए मेरे खिलाफ खड़ा होगा? अब गलती की सजा तो मिलती ही है ना। नुशरत, देखा, ये मेरा बेटा है, ये मेरा वो बेटा है जिसके लिए मैं ख्वाब देखा करता हूँ। ये ख्वाब? काश मेरे बेटे के लिए नामुमकिन ख्वाब आप अपने तक कायम रखते तो मेरा बेटा इस दीवानगी की हालत में ना पहुंचता। दीवाना बना दिया है आपने मेरे बेटे को ये झूठे बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर। ये ख्वाब आपके लिए सिर्फ ख्वाब है लेकिन मेरे बेटे के लिए जुनून बन गए हैं। अपने बेटे के लिए देखा हुआ हर ख्वाब अब मेरे लिए भी जुनून है। नुसरत, आपके लिए सिर्फ जुनून है लेकिन मेरे बेटे के लिए जुनून के साथ साथ हकीकत बन गए हैं आपके ये ख्वाब। हकीकत? हाँ, और इसका अंजाम सामने है। आज वो इसके अपने हैं और आप उनसे कमतर, क्योंकि आप इसके सामने एक फरेबी और नाकाम बाप साबित हो चुके हैं। हाँ, फरेबी और नाकाम बाप।